किसान कितनी मेहनत परिश्रम के उपरांत अपनी उपज पैदा करता है। सरकार किसानों को संतुष्ट करने के लिए कृषि उपज की खरीदी भी कर लेता है, लेकिन सरकार इस उपज के लिए न तो उचित स्थान तक पहुंचा पा रही है, न ही इसे भूखे गरीब के पेट का निवाला बनने दे रही है। ऐसा ही कुछ हाल हटा की कृषि उपज मंडी में देखा गया। 5,250 मीट्रिक टन धान का रखा है। इस धान को रखने के लिए मंडी परिसर में खुले में कच्चे कैप बनाए गए। इस धान को बरसात के पहले ही उठ जाना था, जो आज दिनांक तक नहीं उठाई गई। नागरिक आपूर्ति निगम के निर्देशन पर मध्य प्रदेश वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन के माध्यम से शुभम लॉजिस्टिक कंपनी के द्वारा हटा मंडी परिसर में धान संग्रह का अनुबंध हुआ। कंपनी के द्वारा मंडी प्रशासन से मंडी के 3 शेड की मांग की गई। मंडी प्रशासन ने मात्र कंपनी को 3 शेड उपलब्ध कराए, शेष के लिए मंडी परिसर में ही चबूतरा बनाकर धान रखने की अनुमति दे दी। खाली पड़े अन्य शेड के लिए मंडी प्रशासन ने कंपनी मैनेजर से यह कह दिया कि हमें रिजर्व रखना पड़ता है। कंपनी के द्वारा मंडी परिसर में चबूतरा निर्माण के मापदंडों को दरकिनार करते हुए मात्र 9 इंच ऊंचाई की ईंटें रखकर कच्चा चबूतरों का निर्माण कर दिया एवं उसी पर खुले कैप तैयार कर दिए। कंपनी का अनुमान था कि धान बरसात के पहले ही उठ जाएगी, लेकिन ऐसा हो ना सका। मंडी परिसर में 49 खुले कच्चे कैप में 5,250 मीट्रिक टन धान रखा गया। बड़ी मुश्किल से 5 कैप की धान का परिवहन हुआ, शेष आज भी मंडी परिसर में पड़ा है। अतिवृष्टि एवं रखरखाव में की गई अनियमितताओं के चलते आज कई टन धान खराब हो गई है और होती जा रही है। अभी भी इसका परिवहन नहीं किया जा रहा है, कुछ स्थानों पर अभी भी पानी भरा हुआ है। शुभम लॉजिस्टिक कंपनी के मैनेजर रोशन कोरी ने बताया कि मंडी से सारे 3 शेड एवं चबूतरा की मांग की गई थी, लेकिन मंडी प्रशासन ने मात्र 3 शेड उपलब्ध कराए। सरकार की नीति के अनुसार कच्चे कैप की धान पहले उठाना चाहिए, जिसे अभी तक नहीं उठाया जा रहा है, इसी कारण यह नुकसान हो रहा है। नरेंद्र पटेल, श्री साहू, प्रहलाद विश्वकर्मा ने बताया कि हटा मंडी में न तो डाक नीलामी होती है, न ही यहाँ किसानों को कोई सुविधा मिल रही है। यहाँ के 3 शेड में कभी थ्रेशिंग होने लगती है तो कभी किराए पर दे दिया जाता है। जिस अनाज को सुरक्षित रखना चाहिए उसे बाहर सड़ने के लिए छोड़ दिया जाता है। हटा से भूपेंद्र श्रीवास्तव की रिपोर्ट।